आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। झांसी जनपद में चारों सीटें भाजपा के खाते में आने के बाद भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झांसी जनपद में चारों सीटें भाजपा के खाते में पहुंची हैं, जहां पर भाजपा के दिग्गज नेता राकेश पाल का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पर्वत पाल एवं दतिया से पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर पाल एवं धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भानु पाल ने राकेश पाल को मिठाई खिलाकर किया स्वागत। इस मौके पर मध्य प्रदेश से पहुंचे भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष कैलाश पाल ने भी मिठाई खिलाकर किया स्वागत। इस मौके पर गरौटा विधानसभा क्षेत्र से भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता राजपाल सिंह जुदेव एवं धर्मेंद्र सिंह पाल ने भी स्वागत किया। चारों सीटों का रिजल्ट आने के बाद भाजपा दफ्तर कार्यालय मैपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल को बधाई देने के लिए समूचे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से पाल समाज के लोगों ने बधाई दी। वहीं दूसरी बार विधायक बने राजीव परीक्षा का राकेश पाल की अगुवाई में किया गया ऐतिहासिक स्वागत। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरी बार विधायक बने राजीव परीक्षा। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधे जुड़ चुके हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के दिग्गज नेता राकेश पाल के साथ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय बुंदेलखंड में भाजपा का प्रचंड बहुमत दिख रहा है और हमारे साथ जुड़े हैं बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता और पाल समाज के दिग्गज नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल। भाजपा की जीत हुई है, क्या कह रहे? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जन अदालत न्यूज को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। राजा भैया जी, जिस तरह से आज आपने देखा कि आज परिणाम आए हैं पूरे प्रदेश के, और जो लोग कयाश लगा रहे थे कि कभी सरकार रिपीट नहीं हुई और ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो कार्य आदरणीय देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी के जो कार्य रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, जिस तरह से समाज की सेवा की है, और पूरे 5 साल जिस तरह से उन्होंने एक जनता में जो काम किए हैं, ये रिटर्न गिफ्ट जनता ने आदरणीय योगी जी को दिया है। और बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे, बहुत मौसमी लोग भाग के गए, कैबिनेट मंत्री भाग के गए और दहाड़ के कह रहे थे पूरे प्रदेश में कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ सरकार बना देते हैं। आज हालात ये है कि जो लोग कैबिनेट मंत्री के रूप में गए थे, उनको अपनी सीटें बचाना मुश्किल पड़ गई, सीटें नहीं बचा पाए। और जो मौसमी अपना बदल करके, मौसम का रुख देख करके ये देख रहे थे कि अब ये हवा बदलेंगे और हम पूरा माहौल बदल दिया और प्रदेश का माहौल बदल दिया, लेकिन इन सब पर भारी आदरणीय योगी जी का काम, जो सुरक्षा की गारंटी उन्होंने प्रदेश में दी, उसको जनता ने सराहा। और जिस तरह से गरीब व्यक्ति के, जो समाज के अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जो अंतिम छोर पर खड़ा है, उस व्यक्ति को अगर देखने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने, जिस तरह से चाहे वो केवल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश में जो कोरोना से हालत हुई है, लोगों को दो दो बार राशन मुहैया कराना, राशन देना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करना और सुरक्षा देना, ये बहुत इस तरह के मुद्दे, भले ही लोगों के साथ भीड़ खड़ी रही, बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे, बड़े बड़े विशेषज्ञ कयास लगा रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और अब सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन जो लोग जिस तरह से, जो परसेंटेज आप देख रहे हैं कि उनको 31% पर और 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का उदाहरण है कि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को सराहा, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को, जिस तरह की पार्टी की नीतियां रही हैं, वो इस प्रदेश की जनता ने इस योगी जी को इस प्रचंड जीत को गिफ्ट के रूप में दिया है। आपका गरौटा विधानसभा और बबीना विधानसभा में देखा जाए तो आपका बड़ा अहम रोल देखा जा रहा है, क्या कहना है?
नहीं, ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाज के लोगों को, पाल समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने केवल झांसी नहीं, मैं कह सकता हूँ कि पूरे बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में तो एक तरफा पाल बघेल धनगर समाज ने वोट किया ही है, अभी तो पूरे प्रदेश में माननीय एसपी सिंह बघेल जी को जो चुनाव लड़ाया और एसपी सिंह बघेल जी को जो पूरे प्रदेश में संदेश गया और ये लगा कि पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी में पाल बघेल धनगर समाज का ये रुख है और पाल बघेल धनगर समाज का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है। इससे पूरे प्रदेश में, केवल बुंदेलखंड में ही नहीं, पूरे प्रदेश में पाल बघेल धनगर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को समाज ने देने का काम किया है। इसके लिए मैं पूरे आज इस आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, बुंदेलखंड में पाल समाज का एक बड़ा चेहरा है आप, तो क्या आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी भाजपा की ओर से? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, हमें जो ड्यूटी दी गई, हमारा जो काम, उसको हमने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कार्य किया है और उसको समाज ने प्रणाम भी दिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है, उच्च नेताओं का ये जो प्रदेश और देश स्तर पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो इस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से ये महसूस करेंगे कि जिस तरह से परिणाम आए हैं उसमें पाल बघेल धनगर समाज ने अपना अहम रोल, और मैं कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में 90 से 95% वोट पाल बघेल धनगर समाज ने, संपूर्ण समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, तो निश्चित रूप से इस पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो निश्चित रूप से भाजपा विचार करेगी। हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा के दिग्गज नेता, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल, उन्होंने कहा है कि समूचे बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पाल बघेल समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और अब क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये भाजपा तय करेगी। फिलहाल इसको, इसका सबको इंतजार है। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार। जब तक जिंदा है, जब तक जनता हमको आशीर्वाद देती है, हम लोग काम करते रहेंगे और विकसित बबीना विधानसभा, विकसित झांसी और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग तन मन से दिन रात लगकर इसको, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाकर, और यहाँ सारी सुविधाएं, हर चीज़ उपलब्ध हो उत्तर प्रदेश में, हर चीज़ उपलब्ध हो झांसी में, हर आदमी को झांसी के बाहर न जाना पड़े, उसके लिए रोजगार, उसके लिए नौकरी, उसके लिए मान सम्मान, पढ़ाई दवाई लिखाई सब कुछ झांसी में मिले, एक ऐसा झांसी हम बनाने के लिए संकल्पित हैं। ऐसा झांसी बनाने में योगी जी का आशीर्वाद हमको मिलेगा और निश्चित रूप से हम झांसी को और अच्छा बनाएंगे। और आपकी जनता न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। Stay home, stay safe.